हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं नवरुद गेमिंग। यह है माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज का एपिसोड 6। आज मैं बनाने वाला हूं एक ओशन, जहां पर मैं ट्राई करूंगा कि यार देखो अभी क्या है ना कि जो हमारा ओशन वाला जो बायोम है धीरे धीरे शायद खत्म होगा, एंड होगा, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा, या आई थिंक 4th है। तो मैं चाह रहा हूं कि अब मेरे बहुत सारी मेरे को फिश मिली है, बहुत सारी चीज़ें मिली है। स्टार्टिंग से मैंने सब कुछ मतलब खोया है, मेरा कुछ भी नहीं है, एक काउ बची है। अगर स्टार्टिंग अभी मेरे पास काउ होती तो मेरे पास लेदर भी होता, खाने का भी होता, मैं शायद कोई मशीन वगैरह बना पाता, बट कुछ भी नहीं है मेरे पास। सिर्फ एक काउ है, मैं उनको ब्रीड नहीं करा सकता। शीप कुछ भी नहीं है, मैं बेड भी एक ही है मेरे पास, और बस डॉग्स हैं यहाँ पे, और एक वो है पोलर बियर, उसके अलावा फिश वगैरह भी मिल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ यार फिश वगैरह को मैं ना एक यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है, और ये वुड का मैं बना रखा है यहाँ पे, वो हमारा जो इनफाइनाइट ब्लॉक है वो है। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि पानी का यहाँ पे एक ये बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा बना दिया लग रहा है, तो यहाँ पे एक टैंक टाइप का कह सकते हैं, फिर ओशन सा बनाऊं, और उसमें सारे ओशन वाले जो मेरे को ब्लॉक्स मिले वो यूज़ करूंगा। उसके अलावा उसमें पानी भर दूंगा, थोड़ा सा डीप बनाऊंगा। तो मैं उसमें ये जो मेरा मन है, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार अगर जो हमारे पास जैसे ड्राउन भी अभी स्पॉन इसमें हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको भी ले जाके पानी में भर दूँ। हो सकता है उनके पास ट्राइडन वगैरह आ जाए, या फिर कुछ ऐसा हो हमको मिल जाए, तो मैं यही मेरा प्लान है। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ। और आज मैंने यहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई यहाँ पे, मैं शायद अभी यहाँ पे, और मैंने हाँ थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पे फिक्स करी हुई है। जैसे ये एरिया थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो रखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इधर हटा लिया। अभी मुझे क्या करना है कि यार मुझे ना थोड़ा सा वहाँ पर एक एरिया बनाना है जहाँ पर मैं जहाँ पर ओके शायद मुझे थोड़े से ब्लॉक्स वगैरह चाहिए होंगे, वुड वगैरह के ब्लॉक्स ले आते हैं फटाफट से। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे भी टाइप के ब्लॉक्स मिल रहे हैं, मैं ले आता हूँ। अभी वुड के ही मिल रहे हैं तो वुड ही ले आते हैं, और ये है काफ़ी सारे। ठीक है, ये भी ले आते हैं, चलो ठीक है ओके। तो मुझे यहाँ पर ना इस एरिया को थोड़ा सा बंद करके यहाँ पर मुझे बनाना है जहाँ पर वो लोग रह पाएँ, ऐसा कुछ मेरे को एरिया बनाना है, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा बंद सा एरिया हो जाए और पानी यहाँ पर मैं इकट्ठा कर सकूँ। और ऐसे ही यहाँ पर भी मुझे बनाना है, तो उससे होगा क्या कि यार वो लोग ना डायरेक्ट आगे की तरफ को जाएंगे, और आगे मैं फिर एक जगह, एक सेकेंड, वो क्या है यार वॉन्डरिंग ट्रेडर आ रखा है मेरे पास आज, तो काफ़ी यार इसका बारे में सोच ही रहा था। मुझे लग रहा था कि यार मेरे मतलब मैं फोर्थ फेज में पहुंच गया हूँ, अभी तक वॉन्डरिंग ट्रेडर आया नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि देखो यहाँ पर ना जगह नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास जॉम्बीज नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, उनके स्पॉन होने के लिए भी जगह चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रहा कि यार अभी आ रखा है, तो मैं तो सोच ही रहा था कि इसके लिए मैं एक जगह बनाऊँ ताकि ये स्पॉन हो। तो मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इससे लीड चाहिए। और ये कहाँ देख रहे हो, कहाँ पर स्पॉन हुआ है, मुझे इससे लीड चाहिए। मुझे इसको एक बार देखता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए इसके पास क्या है, मुझे अगर लावा मिल जाता ना ओके। तो बकेट ऑफ फिश ऐसी कुछ चीज़ है नहीं, और एमराल्ड तो मेरे पास है ही नहीं, तो ट्रेड तो कर नहीं सकता। तो अभी इसको मैं मार सकता हूँ, भाग गया। अबे कहाँ गया है, नहीं यार एक, वो गायब कहाँ हो गया, अरे कहाँ आवाज आ रही, मुझे लग रहा गिर गया, शायद नीचे गिर गया। अरे थोड़ी देर तक हम उसको मारते रहेंगे, कोई नहीं। तो यार इनका भी कोई काम है क्या, मुझे लगता तो नहीं है इनका काम है यार, मुझे इनसे ना लीड लेनी है, उसके बाद ये कहीं भी जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करता हूँ, अगर ये डिस्पॉन हो जाएंगे तो हो सकता है लीड भी यहाँ से गायब हो जाए। अरे ये है वॉन्डरिंग ट्रेडर कहीं पे, यहीं पे। अबे नहीं मारो मत यार, इनको भी मुझे मारना पड़ेगा, मुझे लगता है इनको भी मारना पड़ेगा। एक काम, अरे लीड कहाँ से, अरे कहाँ चले गए, नीचे गिर गया क्या इसकी लीड। ओ इसको एक को तो मार दिया इसने, मेरे डॉगी ने मार दिया। ओहो तो ये कैसे खुला रह गया डॉगी, गया। चलो। अभी इधर बैठ जा, अरे गया, अब कैसा कर रहा पानी में, जैसे असली डॉग करते हैं वैसे ही कर रहा है। फटाफट मुझे सो जाना है क्योंकि रात का टाइम है, अभी मेरा एरिया बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पर जॉम्बीज वगैरह स्पॉन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये इसको मैं लेके आता हूँ अंदर पहले, ये पता नहीं यहाँ पर, तो मेरे पास लीड हो गई, लीड की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, थोड़ा सा लेट आया बट कोई नहीं, आ गया एटलीस्ट, मुझे बाद में चाहिए था, अभी ऐसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसकी, क्योंकि अभी तो सब कुछ मैं अच्छा वन ये यहीं पर। अच्छा रात के टाइम ये लोग ये गायब हो जाते हैं क्या, रात के टाइम शायद गायब हो जाता है। इसको मैं मार लूँ क्या, इससे कुछ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, वैसे भी गया एक मई, तो इससे कुछ मिलने वाला है, रात में छोड़ के बांध के चले जाता है और तुम खोल भी नहीं पाते हो, देख रहे हो तक कैसा है इसका। तो अभी मुझे वहाँ पे एरिया पूरा ब्लॉक करना है ताकि मैं पानी वानी इकट्ठा कर सकूँ। शायद मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी, तो ये कुछ ब्लॉक्स हैं इनको मैं बना लेता हूँ, वुड के ब्लॉक्स बना लेते हैं, और ये भी सारे ठीक है, तो इतने ब्लॉक्स काफ़ी होंगे, और इससे काफ़ी बन चुके हैं। तो ऐसा कुछ मैं एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे पहले रेडी कर लेता हूँ ताकि मैं इन लोगों को स्पॉन यहाँ पे करा पाऊँ, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं यहाँ तक, और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी रहेगा शायद, हाँ इतना काफ़ी रहेगा।
अभी ये वाला एक प्लेटफॉर्म सा यहाँ पर कुछ बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा बट ऐसा होगा, ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूं कि ऐसा बनाऊं मैं। ओके, तो मेरे पास अभी जो भी चीजें मैं सारा कुछ यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक वैरायटी का कुछ नहीं, सिर्फ ओक लॉक के अलावा, ओक लॉक मेरे पास बहुत सारा है, आप लोग देख ही रहोगे, सबसे ज्यादा वही पेड़ उगाए मैंने, डार्क वाला भी है बट मैंने डार्क वाले उगाए नहीं अभी। तो एक काम कर यार, ये यूज नहीं करने वाला मैं, कोबल स्टोन यूज नहीं करने वाला, तो मैं थोड़ा सा और चीजें लेके आ जाता हूँ और इस एरिया को मैं बंद कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, तो एक बार मैं एरिया पूरा कंप्लीट बना लेता हूँ, उसके बाद से हम लोग माइनिंग करेंगे और फिर जो भी चीजें, मतलब टैंक पूरा बना लेंगे, उसको भर लेंगे, उसके बाद से जो भी चीजें उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डॉल्फिन हो, फिश हो या फिर कुछ भी चीज हो, तो उनको इकट्ठा करेंगे। एक बार मैं वुड एक काट के ले आता हूँ, बहुत सारे मेरे को वुड चाहिए अभी। ओके, तो वुड मैं काफी सारा लेके आ गया हूँ, 64 पूरा का पूरा एक स्टैक लेके आ गया हूँ, मुझे लगता है कि इतना इनफ होगा। और अभी वहाँ पर जगह भी नहीं है, मतलब इतना ऊपर ऊपर चले जाना, अभी तो मैं पूरा पेड़ पर चढ़ गया था और अभी एप्पल भी मिल जाते हैं ओक लॉक से, तो एक ये फायदा है, दिखने में भी अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत सही है, मैं इसको काफी ज्यादा इसी को यूज करता हूँ। एक जो मतलब एक एकदम मिडिल में है एक जो ओक लॉक होता है, बाकी मैंने ये टैंकी यहाँ पर बना रखी है पानी की अपनी। और अभी क्या करना है मुझे, वैसे मुझे वहाँ पर चीजें तो वो यूज करनी है ना, तो पहले इसको थोड़े से मैं फेंसेस बना लेता हूँ, शायद थोड़े से ये वाला नहीं बनाना मुझे, ठीक है, जो भी जैसे भी फेंसेस बनने बना लेता हूँ और थोड़े से और बना लेता हूँ, ठीक है, फेंसेस भी हो चुके हैं और खाने का भी हो चुका है। ओके, तो ये मैं प्लेटफॉर्म बनाना अपना स्टार्ट कर दिया। और ये जो सबसे मेरे को जो ये वाला है ना टेराकोटा, ब्लू टेराकोटा से बनता है शायद, एशियन टेराकोटा, मतलब टेराकोटा से बनता है जो भी है, बहुत सही लगता है। तो प्लान ये है कि मैं नीचे एक लाइन बनाऊँ और नीचे मैं सोच रहा हूँ कि यार नीचे के लिए ना ये सब चीज़ें मैं इकट्ठा कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत है तो नीचे इनको यूज़ करने वाला हूँ मैं, एक ऐसे एक कहीं इधर कोने पर, और कुछ जो भी अलग अलग चीज़ें हैं ना ये बहुत काम की चीज़ें। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि यार यहाँ पे मैंने एक टैंकी सी बना दी है, ये हमारा मेन ओशियन होगा, उसके बाद से यहाँ से पानी गिरेगा इस वाले में, ताकि उससे होगा क्या है? उससे मैं ये मानता हूँ कि यार एक बार इसको एक और चौड़ा बना लेता हूँ मैं। ओके, तो उससे जो भी ड्राउंड वगैरह होंगे ना वो भी शायद मुझे लगता है कि यहाँ से या एक काम करते हैं, यहाँ से स्टेयर टाइप की कुछ बना लेता हूँ ताकि वो आराम से जा पाए वहाँ पे, ऐसा कुछ बना लेते हैं यहाँ से ताकि वो आराम से जा पाए, है ना, यहीं से ड्राउन भी चले जाएगा और जो फिश वगैरह है वो भी शायद चले जाएंगे, नहीं तो मैं उस टाइम पे ब्लॉक तोड़ दूंगा नीचे। इस टाइप का मेरा प्लान है और देखते हैं कि कैसा काम करता है। फिलहाल मेरे को पानी भरना है खूब सारा, तो पानी भर लेता हूँ एक बार, उसके बाद से हमारा पूरा जो काम है रेडी हो जाएगा। और थोड़ी बहुत मैं ब्लॉक रख लेता हूँ, जरूरत पड़ जाती है कई बार, तो इसको रख लेते हैं, ठीक है, पानी वानी भर लेते हैं खूब सारा, और पानी भरने के बाद हमारा एकदम रेडी हो जाने वाला है। तो पानी की बकेट्स मेरे पास थी, किधर है, ये है दो बकेट, ओशन एकदम रेडी हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर भी नीचे भी पानी भरना है ताकि नीचे पानी रहे, तो उससे होगा क्या कि जो फिश वगैरह आएंगे ना एकदम से मर जा रही, वो मरेंगी नहीं। अभी मुझे एक काम करना है, इसको थोड़ा सा और बेटर लुक देने के लिए, ये बहुत डीप है, ठीक है, तो ये मैं रख रहा हूँ, ये पानी में लग जाएंगे, शायद ये भी लग जाने चाहिए ग्रास। ओके, तो ग्रास भी लग चुका है और ये थोड़ा सा अभी इसको अभी टैंक जैसा लग रहा है, बट एंड वीडियो के एंड तक ये लगने लग जाएगा स्विमिंग पूल जैसा, स्विमिंग पूल कह रहा हूँ ओशन जैसा, क्योंकि इसमें जब मछलियाँ वगैरह आएंगी ना, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस इतना ही मैं भर रहा हूँ, इतना अगर यहाँ पर भी भर लूँ क्या, नहीं इतना काफ़ी रहेगा मुझे लगता है। कि एक काम करते हैं, इधर भर के देख लेते हैं एक बार, इस वाले को तोड़ लेता हूँ, तो इससे इधर को भी पानी आ जाएगा, इस वाले कॉर्नर में भी पानी आ जाएगा, एक सेकेंड। ओके, तो ये पूरा पानी आ चुका है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ये क्या है कि यहाँ पर पानी नहीं है बट यहाँ पर है, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा उनको मारना भी, और इन वो मेरे पर अटैक करने आएंगे तो जो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मैं उनको मार भी सकता हूँ, और यहाँ से पानी के रास्ते वो आराम से ऊपर जा सकते हैं। मुझे अभी तोड़ना है एक पार्ट इसका,
ये क्योंकि मैंने बंद कर दिया था, मुझे पानी भरना था, तो मुझे एक पार्ट इसका तोड़ना है और वहाँ से भी शायद पानी आएगा नीचे को। तो ये कहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसको मैं भर तोड़ दूँ, पानी आ नहीं रहा क्या? अच्छा ऐसा भी होता है कि पानी नहीं आएगा? अब आ रहा है। तो शायद एक सेकंड, मुझे बस देखना है कि ऊपर का पानी गायब ना हो रहा हो, मुझे बस वो चीज़ देखनी है कि ऊपर वाला पानी ना कम ना हो रहा हो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये सही से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टेयर में बना देता हूँ उसके लिए, जो दूसरा बंदा है वो पानी वाला, वो पानी ढूंढ के खुद चले जाएगा ड्राउंड वाला। और बाकी ये एरिया बहुत सही हो गया, यहाँ से फिश वगैरह खुद पानी की तलाश में चले जाएंगे और जो ड्राउंड होगा वो भी चले जाएगा। अब मुझे बकेट में पानी भर के भी रखना है, ताकि मैं जैसे आप लोगों ने बताया था कि यार बकेट में पानी भर के अगर रखो तो फिश को मैं ले सकता हूँ, वो मैं करने वाला हूँ। फिलहाल मेरी हेल्थ बहुत जल्दी ख़त्म हो रही, मैं काम करता यार वाटरमेलन नहीं खा रहा हूँ, वाटरमेलन की जगह मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा ये ब्रेड रख लेता हूँ मैं। एक काम करते हैं, ब्रेड बना लेते हैं खूब सारा। ओके तो ब्रेड बन चुके हैं और ये जो बचा हुआ है इसको रख लेते हैं इधर। अब माइनिंग करने काफ़ी सारी, और मुझे एक एक्स शायद बना ले नीचे। नहीं चलो ठीक है, अभी जब तक के लिए है काम कर रही है। चलो अभी माइनिंग वाला काम करना है, और जैसे ही कुछ मिलता है तो मैं देखता हूँ कि यार क्या मिलता है। वैसे उम्मीद है काफ़ी है कि यार अभी इतना बना लिया है, ऐसा ना हो कि वो फिश वगैरह कुछ मिले ही ना अभी, मैं चाहता हूँ कि मिले मुझे अभी। ओके तो एक फिश मिल चुकी है और मैं इसको, अरे नहीं, अरे यार नहीं, इतनी जल्दी जल्दी आ रही है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, करना क्या है। मुझे पानी डालना था वहाँ पर यार उसको बचाने के लिए। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि यार पानी डालना चाहिए क्या मुझे थोड़ा सा, अगर मैं इधर पर डाल दूँ तो यहाँ तक आ जाएगा शायद पानी। अब मुझे लगता है कि सही रहेगा, शायद सेफ रहेगा, देखते हैं। और हाँ यही करता हूँ यार, यही सेफ रहेगा मुझे लगता है। देखो मर गई है ये वाली फिश थी, खैर ये तो हम पकड़ सकते हैं, बट हाँ जिंदा नहीं पकड़ सकते। ओके तो एक वेल आ चुकी है, और देख लो डॉल्फिन, वेल कह रहा हूँ डॉल्फिन है, तो वो आराम से चलेगी। मुझे लगता है कि यार उसको चले जाना चाहिए, मैंने पूरे में पानी भर रखा था, तो शायद वो, मुझे देखना पड़ेगा यार वो जा पा रही नहीं जा पा रही उधर उस वाले में। अगर वो ओशन में चले जाते ना तो सही हो जाता है यार, मुझे देखना है कि वो वहाँ कैसे जाएगी। इस वाले ओशन में जाना है इसको, अगर चली जाएगी तो अच्छी बात है। ओके नहीं नहीं नहीं, मुझे तोड़ना पड़ेगा, मुझे ये चौड़ा करना है थोड़ा सा। ओके 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 चली गई, चलो चलो चलो, चली गई क्या? हाँ चली गई शायद, चली गई, घूम रही इधर ही घूम रही, बट पता नहीं यार। एक बार मॉर्निंग में आके देखते हैं, रात हो चुकी है और रात में यहाँ पर भी बहुत खतरा हो चुका है। जैसे जैसे मेरा एरिया बड़ा हो रहा है ना, खतरा बहुत बढ़ते जा रहा है। और अभी हमको दो वॉन्डरिंग ट्रेडर मिले थे, उनसे चार मेरे पास एटलीस्ट अभी लीड हो गई है, तो वो काम आएगा। एक बार मैं देख के आता हूँ कि किधर गई वो डॉल्फिन, मुझे तो लगता है कि शायद चली गई वो ऊपर, आवाज़ आ रही है उसकी। ओके ओके तो ये है, चलो यार ये तो एटलीस्ट चली गई है ऊपर। एक काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ना इसको एक बार अंदर चाहिए जाए तो मैं ब्लॉक लगा दूँ, ताकि यहाँ ना आए उस वाले में रहे, क्योंकि ये सेफ नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। अभी ये क्या, ओ शिट, ये क्या किया इसने, ये यहाँ कैसे जाएगी यार? यहाँ एक बार चली जाती ना अंदर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं मारते रहूँगा ना, क्योंकि मेरा ये काम है यहाँ पर माइनिंग करना, तो मर भी सकती है। अंदर जा यार, बस बस एक ब्लॉक लगा देना मैंने, और शायद ये अब नहीं आएगी। एक काम करते हैं, एक यहाँ पर भी लगाते हैं, तो इतने से घुस नहीं पा रही शायद ये, जैसी कोई आएगा तो मैं उस टाइम पर तोड़ के कर दूंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं बंद करे रहता हूँ। तो एटलीस्ट चलो कुछ तो जो मेरा प्लान था वो सक्सेस हुआ, मैंने कुछ तो यहाँ पे काम सही करा, मतलब किसी को तो मैं पकड़ पाया। अभी फिर अभी ये बाहर आ गई, अंदर अंदर नहीं जा पा रही थी लेकिन बाहर आ गई, ये ना यहाँ पर गड़बड़ कर देगी मेरे को। काम मुझे करना होगा, अरे नहीं यार ये क्या कर रही है मेरे से, मुझे बस ये डर लग रहा है कि और टाइम तो मेरे टूल काम नहीं करते, ऐसे टाइम पर काम करके कहीं एक ही वो मर ना जाए यार, वो डर है बस, और कुछ डर नहीं है। तो वो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। वैसे तो पानी में और जो भी फिश वगैरह आएंगे उससे कोई खतरा नहीं है उसको, क्योंकि वो सब साथ में ही रहते हैं, बस मेरे से मना मर जाए मुझे वो डर है। तो मुझे ध्यान से यहाँ पर चीज़ें करनी है। ओके तो वो ड्राउंड आ चुका है, और मुझे लगता है कि ये भी खुद ही चले जाएगा शायद पानी ढूंढ ढूंढ के उधर को। अगर नहीं जाएगा तो मैं मार मार के इसको भेज दूंगा। वैसे ये इतना रेयर, कितना मजे कर रही है डॉल्फिन वहाँ पे, वैसे इतना रेयर नहीं है। अरे जा उधर घुस तो, क्या बेवकूफ़ है क्या ये, पानी से बाहर तो यार अभी खतरा है इसके लिए, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा इसको, अगर चले जाता तो यार उसको शायद रास्ता नहीं दिख। ओके ओके एक हमको चेस्ट मिली है, और यहाँ पे प्रिजमरीन शार्ड मिली है। ओके तो एक लैंटर्न हम लोग बना सकते हैं, और इससे हम लोग अपने पूल को सजा सकते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो भी सामान मिला है, क्योंकि आज जो मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सब जो भी मेरे को चीज़ें मिल रही ना, सैंड वगैरह ये सब जो काम की चीज़ें, सबको इकट्ठा करके रख लो, ताकि अगर मर जाऊँ तो एटलीस्ट मेरे पास ये सब चीज़ें रहें यहाँ पर। ओके ये भी मिला है मेरे को, और मेरे को लग रहा है वो मर रहा है शायद, नहीं नहीं मर तो नहीं रहा है, ये मर भी नहीं रहा, और पानी से अब मरेगा अब मरेगा। अबे जाओ उधर को जा यार, चलो मर ही गया यार, देख रहे हो
मैं क्या कर सकता, मजबूरी थी। खैर ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको बाद में बना के ले जाके आराम से ले जा सकता हूँ। अभी मुझे बस फिश चाहिए क्योंकि फिश नहीं आ सकते यहाँ पे। और ये देखो लैंटर्न, ये मेरे को एक बना सकता हूँ अभी क्योंकि मेरे पास प्रिजमरीन शार्ड है तो मैं आराम से बना सकता हूँ शायद। ओके एक और चेस्ट हमको मिल गई है, वो बंदा तो मर गया तो मैंने पानी दोबारा से डाल दिया। इस एरिया में नहीं है पानी, यहाँ पर शायद एक्स्ट्रा है। ठीक है चलो कोई नहीं, हम लोग एक काम करते हैं इसको ओपन करके देखते हैं। ओके तो हमको ऑलरेडी इसमें बकेट ऑफ सैल्मन मिला है जिसको मैं पानी में डालूंगा। तो स्पेक्ट्रल एरो मिला है, कोकोआ बीन्स, चलो कुछ काम की चीज़ें तो मिली यार मेरे को आज इसमें। अभी जाके मेरे को कुछ काम की चीज़ें मिली कोकोआ बीन्स से। मैं अभी जंगल वुड तो नहीं है बट मैं उसको लगा सकता हूँ बाद में, और कुकीज़ वगैरह बना सकता हूँ। और ये सब चीज़ें मेरे पर रख लेता हूँ। ये गोल्डन एरो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। प्रिजमरीन शार्ट से हम लोग सी लैंटर्न बना सकते हैं आई थिंक। और ये सब चीज़ें मिली है तो चलो आज एटलीस्ट काम की चीज़ें मिली है, रखते जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कब मैं मर जाऊँ, क्योंकि जो काम कर रहा हूँ वहाँ पर खतरा है। ओके दोबारा से नहीं, मुझे एक और वो मिल गया है, हमारा जो टर्टल था उसके दोस्त। वैसे मैं सोचा था कि एग से उसको वो करूँ, मैं ब्रीड कराऊँ, तो मेरे पास इसको मिल गया। मेरे पास शायद सी ग्रास वगैरह रखा हुआ था कहीं पर। ओके मिल गया तो मैं इसको ले जाता हूँ। इसको मैं किस रास्ते ले जाऊँ, कौन सा रास्ता सही रहेगा, इसको इधर से ले जा सकता हूँ क्या? हाँ इधर से ले जा सकता हूँ यार। चलो मैं इसको बाहर बुलाता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इधर पे इसको रहने की जरूरत नहीं है। ये आएगा यहाँ से, आ पाएगा क्या? अगर नहीं आ पाएगा तो फिर मैं इसको तोड़ता हूँ गेट, इसको तोड़ूंगा तो ये वरना मर जाए। ओके तो फिलहाल के लिए मैं इसको लेके जाता हूँ, थोड़ा से बाहर आ जाए ना। आ जा आ जा आ जा, जा चलो आ जा। एक काम करते हैं, वो गेट वगेट सारा सब कुछ वैसे ही लगा देते हैं क्योंकि वो जो मछली है बाहर आ सकती, वैसे मछली तो नहीं आएगी बट फिर भी लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ। ओके तो इसको मैं घसीटते हुए लेके जाता हूँ क्योंकि ये तो पूरा महीने लगा देगा वहाँ पहुँचने तक। अभी नहीं 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 उधर मत जा, अबे क्या कर रहा बेवकूफ, किधर है? इसको पसंद सबसे एक ही चीज़ इसको पसंद है और उसके लिए भी ऐसा आलस आ जाता है, कहता है कि मर जाऊँगा लेकिन तब भी आऊँगा नहीं वापस उतनी दूर में। इसको मेरे को घसीट के लेके जाना पड़ेगा। आ जा, ऊपर क्यों नहीं आता यार? आ जा भाई। अबे यार ये कैसा है, चल चल ऊपर चल। ओके 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 पहुँच गया। इन दोनों को लेके चलते हैं साथ में और इनको आप ब्रीड कराते हैं। चल तू भी खा। ओके तो ब्रीड करने वाले हैं, मैं फटाफट से यहाँ पर गेट लगाता हूँ जब। ओके नहीं क्या दिया इसने, मेरे को घास दिया क्या? ये क्या हुआ, कुछ तो हुआ यार। एक सेकंड मैं अपना गेट कैसे लगाऊँ पहले। ओके तो लग गया। ओके अब ये कहाँ चीज़ें लग रही हैं, जहाँ लगाना चाह रहा हूँ वहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है। ओके तो ठीक है लग चुका है। और कुछ एडवांसमेंट आई थी यार, कुछ तो किया था, कुछ इंसने मेरे को कुछ दिया था, ऐसा लग रहा था कि कुछ है, शायद कैरेट करके कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं क्या चीज़ था। चलो ये लोग, इनका एग वैग दिया क्या इन्होंने? नहीं दिया, देंगे मुझे लगता है कि जब सैंड ज़्यादा होगी ना तो वहाँ पे ये लोग एग देते हैं। कोई नहीं छोड़ दो इनको, अपना अकेले करेंगे। कुछ करा तो नहीं यार इसका, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देखते हैं बाद में करते हैं, अभी अपना जो मेन काम है वो हम लोग करते हैं। ओके तो फिर से एक और टर्टल आ चुका है, पता नहीं कितने टर्टल आ रहे हैं। इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, इसको मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इतना, जब तक मैं बाद में लेके जाऊँगा बट अभी फिलहाल इतना ही रहने देता है। ये बहुत ज़्यादा धीरे है, बहुत ज़्यादा स्लो है, इसको लेके जाने वाला नहीं है, अपने आप घूमता, पानी में भी तो रहता ही है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं माइनिंग करते रहता हूँ क्योंकि अभी तक कुछ नहीं मिला, जैसे ही कुछ मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी तक कोई मैं उनको फिश उसके अलावा मिली नहीं, मतलब फिश वगैरह मिली नहीं उसके अलावा, तो अगर मिलती है तो अच्छी बात है क्योंकि एक बार तो मिली थी, वो तो मेरे से मिस हो गई थी शायद एक या दो बार। एक और चेस्ट मिली है, इसमें देखते हैं कि क्या है। ब्रेन बबल कोरल फैन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली है। म्यूजिक डिस्क मिली है जिसका नाम है वेट। ओके तो वेट करना होगा इसको चलाने के लिए हमको, क्योंकि अभी तक हमारे पास कुछ ऐसा म्यूजिक प्लेयर तो बना सकते हैं ना। चलो मैं जो भी काम की चीज़ें रख लेते हैं। हाँ थोड़ा सा मैंने इसको ऊँचा बना लिया क्योंकि जो डॉल्फिन है ना बहुत ज़्यादा उछल रही है, तो उछलने के चक्कर में कहीं इधर से नीचे ही ना चले जाए, ये ध्यान रखना है मुझे। एक तो मैंने बड़ी मुश्किल से चीज़ इकट्ठा करी है, वो भी गायब हो जाएगी यहाँ पे। अभी मैंने क्या किया है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे ना ऊपर से, मैंने इसको दो ब्लॉक और रख दिए क्योंकि हो क्या रहा था, मेरा जो टर्टल था वो भी यहाँ पर आ रहा था, और वो जो ये देखो ये डॉल्फिन भी बहुत ज़्यादा, ये भी मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये भी देखो बहुत उछल रही है तो ये मर जाएगी अगर ऐसे में घूमेगी। यहाँ पर तो इतना उछल नहीं रही क्योंकि इसको पता है पानी का लेवल ऊपर तक नहीं, लेकिन वहाँ बहुत ऊपर तक एकदम भरा हुआ था तो बहुत ऊपर तक आ रही थी, इसलिए मैंने इसकी सेफ्टी के लिए ये करा हुआ है, इसकी भलाई के लिए। तो अभी कंटिन्यू मैं करता हूँ और मुझे अभी लग नहीं रहा है ऐसा कुछ खास चीज़ें अब मिलने वाली है, देखते हैं कि क्या मिलता है। एक सेकंड मेरी ये किधर गई। और प्रिजमरीन शार्ड मेरे को काफ़ी सारा मिल गया, मेरे को इकट्ठा करके रखना है, इससे मेरे को सी लैंटर्न बना, देखो 21 मिल गए मेरे को। नहीं इससे नहीं बनेगा यार, इससे बनता है, ये काम मैं चाह रहे हैं। चलो कोई नहीं। ओके एक और फिश आई। अभी यार ये मर कैसे जा रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं धक्का भी लगा रहा हूँ, यहीं तक पानी था नीचे नहीं गई वो, मुझे नहीं लगता यार ये ज़िंदा रह पाएंगे, पता नहीं और तो कोई इससे तरीका क्या हो सकता है। मैं तो सब कुछ इसके लिए करके रखा हुआ है, एकदम यहीं पर मैंने पानी रखा हुआ है,
यहाँ पे थी, उसके बाद भी नीचे चली गई, पता नहीं कैसे, समझ नहीं आ रहा कैसे मर रही है। एक और चेस्ट मिल गई और इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है। ओके इसमें फिर से प्रिज्मरीन शार्ट मिला है, स्नोबॉल। अभी स्नोबॉल कोई काम की चीज़ है क्या? ओके तो बैम्बू मेरे को मिल गया, बैम्बू से मैं काफ़ी सारी स्टिक्स बना सकता हूँ जो मेरे काम आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा वुड मेरे को काटना पड़ रहा है, वुड काटना भी मतलब मेहनत वाला काम है, तो ये मेरे काम की चीज़ें मिली हैं। और रेड स्टोन मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, बाकी ये सब सैंड काफ़ी मिल चुका है, तो ये सब चीज़ें रख लेते हैं। बहुत सारी काम की चीज़ें आज मिली हुई हैं। और देखो चेस्ट जब मिलता है ना उससे थोड़ी सी उम्मीदें होती कि यार हाँ कुछ मिलेगा, वरना वैसे तो कुछ ऐसा खास मिल नहीं रहा है। ओके एक फिश आ चुकी है और ये बच गई, चलो पहली बार मैंने एक फिश को बचा लिया है। और ये अंदर चली गई ये वाली, तो यार अभी काम की चीज़ करी मैंने, इसका फ़ायदा मेरे को मिला है, चलो ठीक है। मतलब वो भी मरते मरते बची थी, एकदम से मैंने धकेल दिया उसको आगे, समझ में नहीं आया कि बकेट से पानी डालूं क्या करूं, उतनी देर में समझ नहीं आ रहा। और अभी मेरे पिकैक्स भी टूटने वाली है, डर्ट मिला है पहली बार, कुछ काम की चीज़ें डर्ट मिलना यहाँ पर मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ओके फिर से डर्ट मिला है, वुड। ओके एक और चेस्ट मिली है और इसमें डाई के अलावा कुछ नहीं मिला, इंक सैक मिली है ब्लैक कलर का, जब भी मुंह काला कराना होगा इसी से कराएंगे अभी। तो यार अभी बहुत सारी चीज़ें तो रख ली है, और अब एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत माइनिंग और करते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है तो उसके बाद से हम लोग अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो मेन सारे मतलब जो मेन अभी क्या स्टक हो गए क्या यहाँ पे, जो मेन हमारा आज का जो मतलब मकसद था वो तो पूरा हो चुका है, डॉल्फिन बन चुका है एटलीस्ट हमारे पास, कुछ चीज़ें तो वहाँ पर आई, फिश मेरे पास एक बकेट है उसको भी मैं डालूंगा, और उसके बाद से जो हमारा ओशन होगा थोड़ा सा ओशन जैसा उसका लुक आ जाएगा, लगने लगेगा कि हाँ इसमें ओशन वाले सारे जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत और ही माइनिंग करते हैं, देखते हैं कि और कुछ फिश मेरा अभी मतलब मेरे को बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बस फिश चाहिए अभी कोई, अगर फिश मिलती है तो। ओके एक और फिश मिल गई है और ये भी बचा ली मैंने, चलो दो फिश हमारे पास अलग अलग टाइप की हो चुकी हैं, डॉल्फिन हो चुकी है, डॉल्फिन हो चुकी है। और अभी चलो हमारी पिकैक्स भी टूट गई है, तो अभी मुझे लगता है कि यार आज का एपिसोड हमको यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पिकैक्स टूट गई है और ये अच्छे संकेत नहीं है, मतलब इसके बाद अगर हम लोग माइनिंग करते हैं तो हो सकता है मुझे सारा कुछ खोना पड़ जाए या फिर मैं ही मर जाऊं। तो यहाँ पर हमारी दो तीन डॉल्फिन है, एक ये वाली फिश है, वो बकेट लेके आता हूँ, वो भी मैं पानी में डाल देता हूँ, कहाँ पर है वो बकेट। और हमारे जो फिश है ना बहुत हमारे ओशन में, इनको जो चीज़ें मिली है जो सारे येलो कलर की ये सब चीज़ें, इनसे सजाने वाला हूँ, ये बकेट है इसमें फिश है हमारी, और ये सब सारी चीज़ें इनसे मैं सजाने वाला हूँ। आज देख लो कितना मतलब, आप एक बार ये देखो कितना कुछ मिला है हमको, मतलब कमाल की चीज़ें, इससे मैं दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान बन सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और हमारा जो ओशन है आज अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारी एक मुझे नीचे जाना पड़ेगा, इधर से चलते हैं, अभी रास्ता ये सीढ़ियाँ कहाँ गई, सीढ़ियाँ को कोई मतलब ही नहीं बन रहा अभी। ओके तो ये है, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको डाल देते हैं नीचे, डाल सकते हैं क्या, एक काम करता हूँ यहाँ से नहीं यार इधर से ही डालता हूँ मैं, ये चली जाएगी ना यहाँ से तो बस कोई दिक्कत नहीं है, इधर से मैं भी नीचे जाता हूँ, इधर से इसको अभी जा क्यों नहीं रहे, इसके अंदर मर तो नहीं गई, अगर नहीं 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 चली गई, तो ये वाली मेरे पास ऑलरेडी थी, मुझे कुछ चीज़ें पानी में लगानी है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से अंदर घुसने की, अबे हटना अंदर को चलो यार अंदर को चलो, अबे ये फंस गए क्या, इनके मुंह चिपक गए आपस में। ओके तो मुझे अंदर जाना है, और यहाँ से मैं भी सोच रहा हूँ कि घुसने की कोशिश करूँ, क्योंकि एक काम करते हैं, पिकैक्स कहाँ है मेरी, पिकैक्स तो टूट चुकी है, लेकिन मुझे ना ये वाला पार्ट तोड़ना है, एक काम करते हैं अंदर घुस जाता हूँ नीचे यहाँ के रास्ते निकल जाऊँगा, तो मुझे ना ये सब चीज़ें वहाँ पर लगानी, ताकि हमारे जो ओशन है थोड़ा सा और अच्छा लग पाए, जैसे अलग अलग कलर के ये सब चीज़ें हैं, ये देख रहे हो आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखो ज़बरदस्त एकदम, ये भी लगेगा क्या, नहीं ये नहीं लगेगा, और एक और है इसको भी लगाते हैं, उसके बाद मैं मरने वाला हूँ, मुझे बाहर निकलना है, चलो 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 मुझे बाहर निकलना है, और एक बार सांस लेते हैं गहरी और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। तो यार आज का जो एपिसोड है बहुत सही गया, मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट एपिसोड हमारा हुआ होगा, जो भी मैंने सोचा था सब कुछ प्लान के मुताबिक गया, अच्छी बात यह है कि मैंने ये, अरे हटो यहाँ से यार, इधर को मत कर लो तुम लोग, इधर को बंद कर देता हूँ मैं, जब तक इधर को बंद कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये लोग इधर तक आए। ओके तो ये हमारा पूरा आज का जो ओशन है, मैं एक बार आपको ओशन दिखाने चलता हूँ, क्या चीज़ें हो रही, अजीब अजीब हरकतें हो रही साथ में, और पिक मेरी एक्स भी गई क्या, चलो मैं आपको एक बार ओशन दिखाने लेकर चलता हूँ, जो हमारा ओशन है एक बार उसमें मैं एक दो सी लैंटर्न लगा दूंगा, उजाला भी हो जाएगा, बहुत खतरनाक लगेगा, देख लो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये भी उसमें उजाला होगा तो बहुत सही लगने वाला है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो हमारे पास टर्टल्स हैं ये भी मज़े कर रहे हैं, दो हमारे पास वहाँ पे हैं, उनका बेबी हुआ नहीं हुआ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।